हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, आज हम मैथ में देखेंगे आपका प्रतिशतता यानी परसेंटेज। ये आपका बात किया UPSSC PET 2022 के लिए, तो ये आपका मैथ में अंतिम चैप्टर है। हमने जितने भी UPSSC PET में सिलेबस में जितने भी चैप्टर मैथ में दिए हुए हैं सभी को कवर कर लिया है। अगर आपने पिछली जो वीडियो है यानी क्लास है वो नहीं देखी हो तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। देखिए, जो प्रतिशत है वो हम परसेंटेज कंप्लीट देखेंगे आपका। ये आपका UPSSC PET के साथ साथ जितने भी अदर एग्जाम हैं उन सभी के लिए आपकी क्लास है। प्रतिशत की जो भी क्लास आएंगी आपकी, दो तीन जो भी हों, जितने में कंप्लीट हो जाए वो सभी आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो प्रतिशत में हम क्वेश्चन देखेंगे वो सभी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही विभिन्न परीक्षा में जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, खास करके आपका UPSSC आयोग द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हम सम्मिलित करेंगे। उनके जरिए से प्रैक्टिस करके हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रतिशतता परसेंटेज। पहली बात तो प्रतिशतता परसेंटेज होती क्या है, डिनोट किससे करते हैं, तो आपका परसेंट से डिनोट करते हैं। ऐसी मैंने जिसके फ्रैक्शन में 100 लगा हो वो प्रतिशतता कहलाती है, वो कोई मेंशन नहीं है। आपको देखिए यहाँ पर टेबल बनाई हुई है, थोड़े से ये वैल्यू है, इन वैल्यूओं को यह प्रतिशत मान दिए, इधर भिन्न मान बोल सकते हैं या फिर रेशियो बोल सकते हैं, क्योंकि इन रेशियो को हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगी। तो जो कुछ है वैसे तो निकाल लेते हैं, 100 का भाग दिया जैसे 25% है, तो 25% को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 25, और परसेंट हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, और परसेंट लगाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, तो 25 100 काटेंगे कितनी बार जाएगा, 1/4, तो वही लिखा है रेशियो 1/4। ऐसे 50% है तो 50/100 कितना आएगा, 1/2। सॉल्व नहीं करते हम, याद कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं तो उसमें डायरेक्ट फिर हम यूज कर सकते हैं, उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी हो जाता है। तो देख लेते हैं कुछ मान। देखिए 100% का मतलब होता है आपका 1/100 एक हो जाएगा, 50% का मतलब होता है आपका 1/2, 50/100 यानी 1/2 हो जाएगा। 33 सही 1/3% का मतलब, देखिए 33 का 3 से गुणा करोगे 99, 99 कितने हो गए 100, 100 अपॉन में आएगा, 100 से 100 कैंसिल यानी 1/3। ऐसे ही 25% का मतलब होता है आपका 1/4 फ्रैक्शन में या फिर रेशियो में। 20% का मतलब होता है 1/5। 16 सही 2/3% को 100 से डिवाइड करिए, सॉल्व करके निकालोगे तो कितना होता है, मतलब 1/6। और 14 सही 2/7, 14/97 2, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/7 बचेगा। देखिए 14/97, 98/2 कितने हो गए 100, तो 100/7 और परसेंट हटाओगे तो 100 का भाग दोगे तो 100 से 100 कैंसिल कितना आएगा 1/7। तो भाई हमें डायरेक्ट याद रखना है इन रेशियों को। चलिए फिर अगला देखिए, 12 सही 1/2%, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8 होता है। 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है 1/9 होता है। 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है। और 9 सही 1/11% को जब सॉल्व करके निकालते हैं तो रेशियो में कितना आता है 1/11, 99 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/12। 8 सही 1/3% का मतलब कितना होता है 1/12 होता है। अब देखिए यहाँ पे 1/13 भी होते हैं, 14, 15, उनके ज़्यादा रोल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही हमने देख लिए। फिर उसके बाद हमने देख लिया 6 सही 1/4% का मतलब कितना होता है 1/16। 5 सही 5/9% का मतलब कितना होता है 1/19 होता है। और 5% का मतलब कितना होता है 1/20 होता है। ये एक निकाले कैसे गए, सभी में परसेंट का 100 का भाग दे दिया, सॉल्व कर लिए गए, यहाँ से निकलाते हैं, लेकिन हम इन्हें क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट याद रखेंगे। तो हमने ये क्या देख लिया, आपके प्रतिशत मान और उनके फ्रैक्शन में वैल्यू या रेशियो में वैल्यू क्या होती है। देखिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप, जो क्वेश्चन होंगे भिन्न भिन्न टाइप को उन्हें फिर हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है वो 175 है, हमें बताना है कि मूल संख्या कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से तीन तरीके से कर सकते हैं। अब जो देखो यहाँ पे तीनों तरीकों को आपसे बताया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके होते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। एक तरीका तो एक एक्स मान लो, एक तरीका ये आप ऑप्शन से कर ले जाओ, कोई मेथड मतलब अपनाओ। दूसरा तरीका ये है कि अभी हमने फ्रैक्शन बताया था उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कर लो। तो देखिए पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। पहला ये है कितना है? किसी संख्या में कोई भी संख्या है उसमें जोड़ा कितना जा रहा है, 16 सही 2/3% जोड़ा जा रहा है, तो प्राप्त संख्या कितनी हो जाती है 175 हो जाती है। तो देखो अगर जैसे 16 सही 2/3% का मतलब निकालो कितना होता है, वैसे 1/6 होता, भी आपको भिन्न टेबल बताई थी उसमें भिन्न और कितना मान होता है, और निकाल भी सकते हैं। इसे सॉल्व करोगे तो देखो 16 3 48 और 2 कितने हो गए 50/3, यही तो ही फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज आएंगे तो इंटू में कितना आएगा 100, और 50 से 100 कैंसिल तो यानी कितना होता है 1/6। अगर तुम्हें टेबल ले आते हो जो मैं अभी बनवाई है तो उसे 16 सही 2/3% का मान कितना होता था 1/6, या डायरेक्ट लिख लो, अगर बाय द वे याद नहीं रहता तो निकाल सकते हैं। चलिए
मतलब अब यहाँ पर जो संख्या है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर तो कितना है 1/6। तो देखिए मूल संख्या तो ये होगी ना, पौन में मूल संख्या होती है, ये मूल संख्या है। देखें तो जो अपौन में दी गई है वो आपकी मूल संख्या है यानी प्रारंभिक संख्या है 6, और 6 में कितना जोड़ा गया है 1, 6 में 1 जोड़े तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो ये तो कह रहा है किसी संख्या में यानी 6 में 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाती है 175 हो जाती है। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो यानी कि 7 का मान कितना दिया आपका, संख्या कितनी हो जाती है 175। तो 1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो 7 × 14 3 कितने बचेंगे यहाँ से, 3 बचेंगे यानी 1 का मान कितना आएगा 25। मूल संख्या बतानी तो 6 का मान निकाल लीजिए, मूल संख्या 6 ही तो है, तो 25 × 6 कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला मेथड तो ये रहा। सेकंड मेथड क्या है आपका, सेकंड मेथड यही है, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। 150 जैसे हम उठा दें अभी, तो देखिए 150 अगर ऑप्शन से जाते तो 150 ये संख्या हो गई, इसमें अगर ऑप्शन से लेते हैं तो उसका 16 से ही 2/3% 16 से ही 2/3% का मतलब कितना हो गया 1/6, 1/6 जोड़ा जा रहा है तो 150 का 1/6 निकालो यहाँ से, तो कितना आएगा देखिए 25, 1/50 का 1/6 कितना आएगा 25। तो इसमें जोड़ दीजिए 150 में, और जब हम 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 175, तो संख्या 175 है, यानी ये वाला ऑप्शन वेरीफाई कर रहा था, ये एक ऑप्शन से कर सकते हैं। दूसरा और तरीका कौन सा और कर सकते हैं, अगर कोई नहीं आ रहा तो आप x मान के कर सकते हैं, माना संख्या x है, माना संख्या कितनी है आपकी x है, तो x में x प्लस कितना जोड़ा जा रहा है उसका 16 से ही 2/3%, तो x का कितना जोड़ा जा रहा है 16 से ही 2/3% जोड़ा जाता है, तो संख्या दोनों को जोड़ने पर कितनी हो जाती है 175 हो जाती है, बराबर में 175 कर दीजिए। x प्लस 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6 भी बताया आपको, तो कितना हो जाएगा x 6 बराबर 175। एलसीएम लेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7/6 x बराबर 175, 7 से काट दीजिए 7 × 14 और 3 बचेंगे 7 × 5 = 35 और उधर भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए x बराबर कितना आ जाएगा 150, यानी वो संख्या कितनी मानी थी तुमने x, यानी कितना हो जाएगा 150। तो कैसे भी आप लगा सकते हैं, फ्रैक्शन से मान के लगा सकते हैं, x मान के कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 25% कैसे कर दिया है, कम कर दिया। लंबाई तो 20% बढ़ा दी जाती है किसी आयत की, और चौड़ाई कितनी है 25% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आज के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम ये दो तरीके से भी लगा सकते हैं इसे, एक तो आपका मेथड ये बताया जाएगा, एक तो मेथड होता है देखो जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यहाँ पे वृद्धि हो रही है पॉजिटिव और यहाँ कमी हो रही है नेगेटिव, लेकिन वो मेथड आपका दो ही राशियाँ होंगी तब काम करेगा। अगर यहाँ पे आयतन बोल देता अभी और बोल दे घनाभ के बारे में, लंबाई भी दे दे, चौड़ाई भी दे दे, ऊंचाई दे दे, तो उस पर उसमें दिक्कत आ जाएगी फिर तीन चीज में निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक ऐसा मेथड बताया जाएगा जिससे कि तुम्हारा चाहे तीन राशियाँ हो, चाहे चार हो, चाहे पाँच हो या दो हो, कोई दिक्कत नहीं, हर एक में काम करेगा। रेशियो मेथड जो तुमने अभी एक टेबल पढ़ी थी उसके आधार पर, तो देखिए पहले लंबाई है, लंबाई को एल बोल देते हैं, लंबाई कितनी बढ़ाई गई है आपकी 20%। देखो 20% का मतलब क्या होता है, रेशियो में 1/5, 1/5 ही तो होता है, तो 5 तो तुम्हारी मूल राशि होती है, ये प्रारंभ में होती है इनिशियल, और 5 के बाद कितनी राशि बढ़ा दी गई लंबाई आपके, 5 से 20% बढ़ा दी जाती है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाती है, यानी पहले लंबाई कितनी थी 5, बढ़ के कितनी हो गई आपके वो 6 हो गई। अच्छा चौड़ाई देखिए, चौड़ाई 25% घटा दी जाती है, तो 25 का मतलब 25% का मतलब कितना होता है 1/4, प्रारंभ में कितनी थी वो 4, प्रारंभ में कितनी थी ये 4, और कमी हुई है, कमी हुई है तो 4 में से 1 घटा दो, अगर वृद्धि होती तो 4 में 1 जोड़ देते, आपकी फाइनल आ जाती है इनिशियल कंडीशन, ये प्रारंभ में और ये अंतिम स्थिति दी है यानी लास्ट में, तो पहले 4 थी फिर कमी हो गई तो 4 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3 रह जाती है। ये पूछा गया क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है, तो एल इंटू बी तो होता है क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो 5 का 4 से गुणा करो 20 और 6 का 3 से गुणा करो 18, यानी प्रारंभ में कितने था इसका क्षेत्रफल 20 और बाद में रह कितना जाता है 18, तो यही तो पूछ रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन कितना आया, तो देखिए प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ 20 से 18 रह गया, तो कितने की कमी आई 2 की, अपौन में क्या रहता है प्रारंभिक हमेशा, तो शुरुआत में कितना था 2 की कमी है, शुरुआत में कितना था इसका एरिया 20, तो 2/20 और इंटू परसेंट में निकालने के लिए कितने गुणा कर देंगे 100 का, 20 से 100 काट दो कितना हो गया 5, 5 × 10, अब 10% की वृद्धि हुई कमी वो देख लीजिए 20 से 18 हुआ, यानी 20 से 18 हुआ तो 2 की कमी तो आई है, तो यानी 10% की क्या हुई है कमी हुई है, अगर 20 से 22 होता तो 2% की वृद्धि हो जाती, ठीक है ना। ये मेथड आपका 3 में भी 2 में भी काम करेगा, 3 में भी काम करेगा, अगर 2 में लगाना चाहोगे इसमें, अगर और तरीके से करना चाहते हो तो x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ये भी लगा सकते हैं। तो एक्स में क्या है, वृद्धि हुई है तो पॉजिटिव रखो, और अगर कमी हुई है तो नेगेटिव रखो। 20 माइनस 25 प्लस वृद्धि हुई है तो पॉजिटिव और कमी हुई है तो इनटू में माइनस का 2500 इनटू 100, 20 से 100 कितनी यार 5 बार, 5 से 25 5 बार ये माइनस का 5 हुआ, और 20 से 25 घटा हुई तो माइनस 5 और माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 10। माइनस 10 का मतलब क्या है कमी, और प्लस का 10 आता तो क्या होती है वृद्धि, यानी कैसे भी कर सकते हो 10% की कमी। लेकिन ये मेथड किस में काम करेगा, तुम्हारा दो राशि होगी तब काम करेगा, ये आपका 2, 3, 4 जो भी है सब में काम करता है। चलिए देखिए, जो भी हमने क्वेश्चन देखा था उसी का नेक्स्ट तरीके से क्वेश्चन बन जाता है अलग टाइप से, इसी में से है। जैसे किसी खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई है, कोई खेत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन न हो, क्षेत्रफल कोई चेंज ना हो, हमें चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दें ये बतानी है। तो देखिए समझिए, वही रेशियो मेथड से करेंगे इससे आसानी से होगा। 20% बढ़ाएगी तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा 1/5, पहले 5 थी, 5 से कितनी हो जाएगी 6, तो कहने का मतलब जो लंबाई है वो 5 से कितनी हो जाती है आपकी 6 हो जाती है लंबाई, ठीक, पहले 5 थी फिर कितनी हो जाती है 6 हो जाती है। अच्छा, चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए, बी के बारे में हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमें पता नहीं है क्या होगा, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी गई क्षेत्रफल में, ऑल ओवर एल इंटू बी तो होता है क्षेत्रफल, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे निकाला था, क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल में कोई भी चेंज ना हो, तो इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल अगर पहले एक था तो फिर भी कितना रहे, एक ही रहे, क्षेत्रफल में नो चेंज है। तो देखिए वैसे फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, ये एरिया के बारे में ही तो बात हो रही है, एरिया है यानी एल इंटू बी, तो एल इंटू बी वैसे ये होता है, देखिए एल इंटू बी बराबर होता है आपका एरिया, एरिया कितना है एक, जैसे इसमें बात कर रहे हैं हम अभी, तो वैसे तो सीधा होता है, अगर ये एक और एक है, अगर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे चाल और दूरी में आता है तुम्हारा के दूरी में कोई चेंज नहीं है, तो इनका रेशियो पहले लंबाई कितनी थी 5 से 6, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, उल्टा कर देते हैं, ये 6 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, होता कहाँ से वो यहाँ से भी समझ सकते हैं, एल इंटू बी तो होगा ये एक, तो पहले 5 था इंटू बी, बी आएगा बराबर कितना आएगा एक, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1/5, ऐसे यहाँ पर जो बी है यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 1/5 होगा, यहाँ कितना होगा 1/6 होगा, यहाँ 1/5 होता है, यहाँ 1/6 होता है, 1/5 लिखते हैं या 1/6 लिखते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं, 6 इधर आ जाता है 5 इधर पहुँच जाता है, तो 6 और 5 हो जाता है ऐसे। लेकिन जब भी एक और एक केस बने, कोई भी चेंज ना आए, तो हमेशा याद रखना लंबाई 5 से 6 तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6 से 5 हो जाएगी, लेकिन कब, जब यहाँ पर कोई भी चेंज ना हो तब हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो वन रेशियो वन हो गया। पूछा क्या था उसने कि चौड़ाई कितने प्रतिशत कम हुई है ये बताइए। तो देखिए चौड़ाई इनिशियल केस है ना ये प्रारंभ में और ये अंत में, तो प्रारंभ में चौड़ाई कितनी है 6, 6 से कितनी हो गई 5, तो कितने कमी आई एक की, कितने पे कमी आई है 6 पे, और इनटू में 100, या तो निकाल लो इसे भाग दे के 6 का 16 बार जाएगा, या फिर 1/6 इंटू 100 ये कितने परसेंट का होता है, 1/6 किसके बराबर होता है ये रेशियो, ये 16 से ही 2/3% होता है, ये कितना होता है 16 से ही 2/3% की वैल्यू होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका डी, तो 16 से ही 2/3% की क्या हुई है इसमें कमी हुई है क्योंकि 6 से 5 हुआ है। देखिए आपका इसके ऊपर हमने दो क्वेश्चन देख लिए, तीसरे टाइप का और इसमें क्वेश्चन बन जाता है, यानी तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस एरिया के ऊपर, आयत के ऊपर। किसी खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल 50% बढ़ जाए। अभी पीछे का क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, वहाँ पर लंबाई 20% बढ़ाई गई थी, चौड़ाई पूछ रहा था कितने प्रतिशत कम कर दिया, लेकिन क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो, तो क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं हो तो हमने रेशियो कितना लिया था एक और एक, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी, एक प्रारंभ में ही था और एक कितने में था अंत में, लेकिन यहाँ पर कितना क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। तो देखिए इसे भी रेशियो मेथड से करेंगे, 20% का मान तुम जानते हैं कितना होता है 1/5 इनिशियल है, फिर ये वृद्धि करके हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो लंबाई के बारे में देखते हैं पहले, तो लंबाई 5 से कितनी हो जाती है आपकी 6 हो जाती है, ये प्रारंभ में और ये फिर तुम्हारी अंतिम कंडीशन है, बढ़ के या कमी हो के जो भी है, तो लंबाई 5 से कितनी हो गई 6, क्योंकि 20% बढ़ गई है, तो 5 पहले थी, 5 में एक जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अच्छा चौड़ाई के बारे में देखें, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आएगी ये बताना, तो ये हमें पता नहीं है यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी दोनों जगह। अच्छा अपॉन में एरिया आ जाओ, एरिया के बारे में बताया उसने, एरिया क्या है 50% बढ़ जाता है, तो 50% का मतलब तुम जानते हो रेशियो में कितना होता है 1/2 तो बढ़ जाता है, तो 2 से कितना हो जाता है 3, तो एरिया हो जाता है 2 से 3। अभी बताया तुम्हें एरिया कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी बराबर ए, तो बी निकालना होगा तो एल गुणा में, तो किस में जाएगा भाग में, तो बी किसके बराबर होगा ए अपॉन एल, तो बी के बारे में निकालें ए अपॉन एल कितना होगा, तो ए कितना है 2 और एल कितना है 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 2/5,
ऐसे भी इसके लिए निकालो तो ए कितना 3 और एल कितना 6, तो कितना होगा यहाँ पे देखिए 3/6। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इनका आपस में, तो देखिए यहाँ पे बना दिया जा रहा है दोबारा से, तो एल और बी का रेशियो कितना बन जाएगा, यहाँ पे कितना था 5 से कितना हुआ था 6, बी के बारे में देखिए गुणा करोगे कितना हो जाएगा, देखिए 6 × 2 = 12 और 5 × 3 = 15, 12 और 15 बनना है, 12 और 15 अपॉन में एरिया का रेशियो कितना चल रहा है तुम्हारा, एरिया का रेशियो चल रहा है तुम्हारा 2 और 3, ये तो था 12 15 सॉल्व हो रहा है देगा 3 से 4 बार और 3 से 15 = 5 बार, यानी कितना आ जाएगा ये 4 से 5। तो पूछ क्या रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आएगी बताइए, तो चौड़ाई हुई 4 से 5, तो इनिशियल में कितनी थी 4, अच्छा कमी हुई या वृद्धि हुई है, यहाँ पे एक की क्या हुई है वृद्धि, तो यहाँ कमी नहीं होगी चौड़ाई में, यहाँ पे इस वाले केस में क्या हो जाएगी यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे ऑब्लिक में लिखा होगा आपका वृद्धि या कमी, चौड़ाई में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा ऐसे करके क्वेश्चन दिया होगा, या फिर बोलेगा चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, दोनों ही केस हो सकता है, वृद्धि भी हो सकती है कमी भी, तो चौड़ाई 4 से कितनी हो गई 5, तो एक की वृद्धि हुई कितने पर वृद्धि हुई है 4 पर, प्रारंभ में 4 थी ना, इनटू में 100, 4 से 100 काटोगे तो कितने हुआ 25% की वृद्धि हो जाएगी इस बार चौड़ाई में, तो यानी कि 25%। देखिए ये क्वेश्चन आपके वर्ग के ऊपर दिया है, ये आपका जो UP SSSC आयोग है उसके राजस्व निरीक्षक का एक एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज होगा, यहाँ वहाँ पहले आया था यहाँ पे क्या बोल दिया वर्ग बोल दिया, अब वर्ग के बारे में जानते हो आप, चार भुजा बराबर होती है यानी लंबाई या चौड़ाई कैसी होगी आपस में बराबर होगी, तो आप या तो फॉर्मूले से कर सकते हो जो बताया आपको x + y + xy / 100, वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया गया, तो बढ़ाया तो प्लस का होगा और अगर कमी होती है तो माइनस का होता, तो 25 दोबारा फिर 25 और प्लस 25 × 25 अपॉन में कितना आएगा 100, 25 और 25 कितने हो गए आपके 50 और 25 का 25 से गुणा करेंगे कितना होगा 625 और 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा ये 50 + 6.25 और इसे जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका निकल के 56.25%, यानी कितने का, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका वही जो आपको रेशियो मेथड बताया 25 का तरीके से कैसे कर सकते हैं, रेशियो मेथड से 25% को हम क्या लिखेंगे 1/4 और 1/4 है क्योंकि वर्ग है तो दोनों भुजा बराबर होंगी लंबाई और चौड़ाई, तो 4 से कितना हो गया आपका ये 5, लंबाई भी क्योंकि समान है तो चौड़ाई भी कितनी होगी 4 से 5 बराबर है, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 × 4 से गुणा करोगे 16 और 5 × 5 से करोगे 25, तो एरिया पहले 16 था बाद में कितना हो गया 25, तो कितने की वृद्धि हुई 9 की, कितने पर वृद्धि होगी प्रारंभ में कितना था 16 × 100 और 900 में जब 16 का भाग दोगे तो आपका यही आएगा 56.25%, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका बेलन के ऊपर बोले, बेलन में बोल देता है कि बेलन में आपकी त्रिज्या में इतने परसेंट की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में इतने की, आयतन में कितना होगा बता दिया जा रहा है, इस टाइप का भी बन सकता है क्वेश्चन, तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, तो पाई तो कॉन्स्टेंट होता है तो वहाँ त्रिज्या कितनी है 2 बार लिखी जाएगी वहाँ पे आर, और आर 2 बार है ना, तो अगर वृद्धि बोलेगा जैसे यही है मान के चलो 25% की वृद्धि होती तो 4 से 5 फिर 4 से 5 ऐसे हाइट में लिख लेते और तीनों का गुणा कर लेते आयतन में परिवर्तन निकल आता है, इस टाइप का भी बेलन का भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का, आपका संख्या के ऊपर क्वेश्चन है, संख्या के ऊपर भी क्वेश्चन काफी अधिक बनते हैं परसेंटेज में, ये आपका UP SSSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर आसान होते हैं क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या कितनी हो 12 हो तो हमें बड़ी संख्या क्या होगी ये बताना है, तो एक्स मान के आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, माना बड़ी संख्या ही मान लो पहले, माना बड़ी संख्या कितनी मान ली हमने एक्स मान ली, क्वेश्चन क्या कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर, यदि छोटी संख्या कितनी है 12, बड़ी संख्या है एक्स है तो छोटी संख्या कितनी 12 और दो संख्याओं का अंतर निकालना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई हमने, छोटी संख्या 12 दी है तो x माइनस 12 अंतर कितना दिया है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो बड़ी संख्या कितनी दी x, x के 20% के बराबर है, तो x माइनस 12 बराबर x इंटू 20 अपॉन में कितना होगा 100, डायरेक्ट रेशियो भी लिख सकते हो 1/5 या काट के लिख दो बात वही है, तो कितना आ जाएगा देखिए x माइनस 12 और x अपॉन 5 इधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5x माइनस का 60 और इक्वल टू x, x को उधर ले आओ और 60 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 4x = 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 15, यानी बड़ी संख्या ही तो मानी थी तुमने x, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी बड़ी पूछी उसने, बड़ी संख्या हो जाएगी 15। देखिए आपका क्वेश्चन है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, ये आपका UP SSSC जो गन्ना पर्यवेक्षक का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है
कि दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः कितनी है 30% और 37% कम है तीसरी वाली से, पहली संख्या दूसरे से कितने प्रतिशत है ये कम हमें बताना है। तो देखिए मान लो, देखिए यहाँ परसेंट की बात हो रही है, यहाँ मान लीजिए माना पहली संख्या 100% या 100 बात वही है, 100 मान ली हमने या 100% मान ली। तो देखिए यहाँ पर दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तो पहली तो यह हो गई, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तीसरी संख्या है, कौन सी संख्या है ये? तीसरी संख्या, माना तीसरी संख्या कितनी है 100 है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी कम है 30% कम है, 30% कम है तो बचेगी कितनी 70%, यानी 70 होगी। अच्छा दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी की है, दूसरी संख्या 37% कम है तो कितनी रह जाएगी, 37 घटा दो 100 में से कितनी रह जाएगी 63। पूछ क्या रहा है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। अच्छा एक बात और समझ लें, पहली संख्या से जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है, पहली संख्या से बोला वो अपॉन में आता है हमेशा, अगर बोलता कि दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने प्रतिशत कम है तो अपॉन में कौन सी आती, दूसरी संख्या, जिस पर जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वो कहाँ पर रहेगा, तुम्हारा हर में अर्थात अपॉन में रहता है। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या बोल रहा है तो कितने का अंतर है आपका, यहाँ पर पहले अंतर देखिए सात का, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, किससे बोला है, पहली संख्या से, इसी के साथ तो से लगा पहले वाले के साथ में, तो ये कहाँ रहेगी अपॉन में, और इनटू में कितना आएगा 100, कम है यानी कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा 770 यानी 10%, यानी 10% या फिर 10% की कमी आएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी कमी यानी कम है या फिर कमी बोल सकते हैं, तो कितने की रहेगी वो आपकी 10% की कमी रहेगी। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका लोअर में पूछा गया क्वेश्चन है UPSSC द्वारा, यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है, यानी कि जो राजू है विजय से 20% अधिक कमाता है, तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। रेशियो मेथड से हम आसानी से कर सकते हैं या 100 मान के भी कर सकते हैं इसे। देखिए पहले 20% का मतलब समझ लें, पहले तो 20% का मतलब कितना होता है आपका 1/5। अब देखिए यहाँ पे लिख लो राजू और यहाँ पर कौन है आपका विजय। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजू विजय से 20% अधिक कमाता है, राजू है विजय से, तो इसे मान लो विजय, यहाँ पर ये विजय की है, राजू विजय से 20% अधिक कमाता है, तो अगर विजय की आय 5 है, विजय की आय कितनी है 5, तो राजू 20% अधिक कमा रहा है तो राजू की कितनी हो जाएगी 6। अच्छा चलिए फिर, तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में किससे कंपेयर की जा रही है, किसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में या राजू की आय से, तो राजू की आय किस में रहेगी अपॉन में, कितने प्रतिशत कम है वो बताना है। तो देखिए ये विजय की है राजू की है, तो कितने की कमी है इसमें, एक की कमी है, विजय की जो इनकम है वो एक कम है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, राजू के में, तो राजू की आय अपॉन में रहेगी और इनटू में कितना आएगा आपका 100, तो 1/6 upon 100%। वैसे 16 से ही 2/3% होता है, लेकिन यहाँ पे 50/3 के फॉर्मेट में दिया है तो काट लो, यहाँ पे 2 से कितनी बार 50 बार और 2 से 6 कितनी बार 3 बार, तो कितना आएगा आपका 50/3% आएगा, यानी रेशियो मेथड से आप आराम से कर सकते हो। दूसरा मेथड ये आपका इसकी 100 हो जाएगी, विजय की 100 तो राजू की मतलब ज़्यादा है तो 120 हो जाएगी, वो वहाँ से काट दो वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आज हमने आपके जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज में आपकी ये पहली क्लास थी, विभिन्न टाइप के क्वेश्चन देखे, आगे जो परसेंटेज की क्लास आएगी उसमें हम जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है, और भी आपके वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, विभिन्न टाइप के क्वेश्चन होंगे, आगे की क्लासों में कंप्लीट करेंगे। अगर आप UPSSC PET 2022 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका इस चैनल पर संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में सभी क्लासों को देख सकते हैं। ओके धन्यवाद।